me like a Hellcat. Assalamu alaikum. My name is Raheel Nawaz. Welcome to ForexUstaad.com. Once again, हम अपना जहाँ पे हमने छोड़ा था कल का लेक्चर वहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ डिस्कशन हो जाए. आज मैंने एक नया रूल क्रिएट किया है कि अगर किसी ने वीआईपी एरिया में पोस्ट देखी और कमेंट नहीं किया तो उसको बैन कर दिया जाएगा, उसको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा. यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, जिसके रूल तो आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ. यहाँ पे देखें, लिखा हुआ सीड 13 बंदों ने देखा इसको, तो इसका मतलब है तुम लोग अपने आप को जितना मर्जी होशियार समझो, मेरी नजरों से बच नहीं सकते. 13 ये वो बंदे हैं जिन्होंने इस पोस्ट को देखा है, लाइक किया या नहीं किया, कमेंट किया या नहीं किया, वो बात की बात है. जिसकी नजर से एक दफा गुजर गई, मुझे पता चल जाएगा कि भाई इरफान भाई की नजर से गुजरी है, इरफान ने कमेंट नहीं किया, मैं उठा के बाहर मार दूंगा. अच्छा, ये रूल बनाने की वजह क्या है वो भी पूछें. ये रूल बनाने की वजह यह है कि जब आप लोगों को कहा जाता है भाई एनालाइज करो, तुम लोग एनालाइज करते नहीं हो. जब कोई पोस्ट करता है लिंक में अपना एनालाइज, तुम उस पर कमेंट करते नहीं हो, तुम उस पर फीडबैक देते नहीं हो. मतलब एक बंदे ने यहाँ पे देखें, ये शाहिद भाई हैं, इन्होंने एक पोस्ट की, इसको 12 बंदों ने देखा. यहाँ पे देखें तो किसी दो बंदों को भी तौफीक नहीं हुई कि इसके ऊपर कमेंट कर दें और इसके ऊपर फीडबैक दे देंगे, तुमने सही एनालाइज किया है, तुमने ठीक किया है, तुमने गलत किया है, मैं एग्री करता हूँ, मैं डिसएग्री करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट हो जाए. या आप ये कह सकते हैं शाहिद भाई मुझे नहीं पता आपने कैसे किया, मुझे भी सिखा दें. कुछ तो बोलो भाई, जब तक कुछ बोलोगे नहीं कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा. जब तक तुम कुछ मुंह से बोलोगे नहीं, मुझे तुम्हारी कंडीशन का पता नहीं चलेगा कि मेरा कौन सा कंडीशन, कौन से स्टूडेंट की कंडीशन वीक है, किसको मेरी तवज्जो की ज्यादा जरूरत है और किसको मैं, किसको मेरी हेल्प चाहिए, मेरी किसको हेल्प चाहिए, मुझे किसकी हेल्प चाहिए. देयर इज अ टू डिफरेंट कंडीशन. अब ये मोहम्मद उमर जो है ये अच्छा काम कर रहा है, इसने लास्ट वीक एक 500 का वाउचर भी विन किया और इसके एनालाइज भी अच्छे होते हैं, तो इसकी हेल्प की जरूरत मुझे है कि मैं इसको उमर को साथ मिला के तुम लोग सब लोगों को गाइड करूं. शाहिद अच्छा काम कर रहा है, ओल्ड स्टूडेंट, इसकी हेल्प की जरूरत मुझे है. लेकिन यहाँ पे शुएब बाजवा साहब है, यहाँ उमर दराज, तलहा सईद है, न्यू स्टूडेंट है, इनको बेचारों को नहीं समझ आती. तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि इनको इग्नोर कर दें, इसका मतलब है कि इसको मेरी टेंशन की ज्यादा जरूरत है, इसको उमर भाई की, इसको शाहिद भाई की अटेंशन की ज्यादा जरूरत है. तो हम सब मिलकर, हम सब लोग एक फैमिली है, हमें सबको एक दूसरे की हेल्प आउट करने के लिए. यहाँ पे देखिए 12 बंदों ने ये पोस्ट देखी, किसी 4-5 बंदों को तौफीक नहीं है कि यहाँ पे बता दें कि शायद भैया आपने को गलत किया है या सही किया. क्या आपने जो स्पिनिंग टॉप हमर, इन्वर्टेड हमर बनाए हैं वो ठीक भी है या नहीं, या उसकी कंफर्मेशन हो रही है या नहीं, या आपका सही एनालाइज किया नहीं या नहीं, या इसमें कोई बंदा और भी बात ऐड कर सकता है. लेकिन किसी को तौफीक ही नहीं हुई, बस आए लाइक किया, चलो जी बस आए देखा, हाँ हो रहे बस हो दो, पेट पे हाथ मार के बैठे रहते हो और बाद में क्या होता है, लॉस होता है. मैं तीन स्टूडेंट ने आज जो है ना वो लॉस किया. क्यों लॉस किया? इन्हीं हरकतों की वजह से. जब तक हम लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल नहीं जाते, एक दूसरे की हेल्प आउट नहीं करते, एक दूसरे को गलतियां नहीं निकालते, एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते, एक दूसरे के एनालाइज को री रिव्यू नहीं करते, जब तक तब तक कामयाब नहीं होंगे. और ये हमारा अपना फायदा है. तुम किसी को री रिव्यू करोगे, तुम्हारा अपना फायदा है. तुम किसी को जो है सलाह दोगे, तुम्हारा अपना फायदा है. अगर तुम कंफ्यूज हो वहां पे लिखो भाई मुझे ये कंफ्यूजन है, तुम्हें कंफ्यूजन है तो लिखो भाई मेरे मुझे ये कंफ्यूजन है, मुझे समझ नहीं आई, कैन यू प्लीज शायद भाई एक्सप्लेन कि ये हमर किस तरह है, ये इन्वर्टेड हमर क्यों नहीं, ये शूटिंग स्टार क्यों नहीं है, या वट एवर, ये मूविंग एवरेज यहाँ पे टच कर रही है, आपको बाय करना, कोई भी कमेंट. अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो ये लिख दो भाई कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे प्लीज बताएं, या मुझे पता नहीं. कमेंट करना आज के बाद हर बंदे के लिए जरूरी है,
जो कमेंट नहीं करेगा उसको एक आध वार्निंग मिलेगी, उठा के उसको बाहर मारेगा, क्योंकि मुझे अपना नाम बदनाम नहीं करवाना, नालायक स्टूडेंट मुझे नहीं चाहिए। कल को बदनामी मेरी होगी कि रहील नवाज से पढ़े थे और जनाब लॉस कर रहे हैं, जुआ खेल देने थे, मुझे अपनी बदनामी नहीं चाहिए। यहां पे देखें, सात बंदों ने देख लिया और सिर्फ दो ने कमेंट्स किए हैं, अब बाकी पांच निकालना मेरे लिए कोई इशू नहीं है। मुझे पता है तलहा सईद ने कमेंट नहीं किया, मुझे पता है जनाब अथर शमी ने कमेंट नहीं किया, अली रजा ने की नहीं किया, उमर शाहिद ने नहीं किया, बनारस जाट साहब ने नहीं किया, तो मेरे लिए मसला नहीं है। आपको आज मेरा स्पेशली आपको दिखाने का ये मकसद था कि भाई मुझे पता चल जाता है कि तुम क्या हरकत कर रहे हो, फिर बाद में ना कहना सर जी सॉरी मुझे पता नहीं चला, तो मैं जब एक दफा निकाल दूंगा फिर वापसी के रास्ते बहुत मुश्किल है। प्लीज आप लोग इसको हल्के में ना लेंगे, आपके फायदे के लिए, मेरे फायदे के लिए, मुझे आपके लाइक्स का शौक नहीं है, मुझे आपका कमेंट्स का शौक नहीं है, ना इसे मेरी कोई पॉपुलरिटी में इजाफा होना है, ना इसमें मुझे कोई पैसे मिलने हैं, इट्स ऑल अबाउट फॉर यू, सब कुछ आपके लिए, मेरे लिए कुछ नहीं। सो अगर कामयाब होना चाहते हो तो रूल को फॉलो करो, अदरवाइज लॉस भी उठाओ और अपने लेक्चर से भी हाथ धो बैठे। ओके, हम सब लोग अच्छी कम्युनिटी बनाएंगे, अभी हम 25 लोग हैं यहाँ पे, हमारे कुछ स्टूडेंट हैं वो फेसबुक चलाना नहीं जानते, इतने बैकवर्ड एरिया से भी स्टूडेंट मेरे पास हैं, तो वो हम लोग अब 25 हर एक बंदे की कोई बंदा एक सिग्नल पोस्ट करेगा, कोई बंदा एक एनालाइज देगा, उस पर 24 बंदे होंगे कमेंट्स करने के लिए, तो क्या आप समझते हो कि उस पर लॉस के कितने परसेंट चांसेस हैं? फर्ज करो मैंने कहा भाई यो जो है वो मूविंग एवरेज लाइन क्रॉस कर गई है, कंफर्मेशन हो गई है, बाय कर लो, 24 बंदे और हैं जो इस पर रिव्यू करेंगे, आप सब लोग अपने अपने एनालाइज करोगे फिर बताओगे नहीं सर जी आपसे एग्री नहीं करते, सर जी हम आपसे एग्री करते हैं। अब एक बात एक बंदा कह रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं, एक 24 बंदे एक बात को कह रहे हैं डैट मीन के उसमें पावर है, उसके नुकसान होने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 1% है, तो ये बहुत जरूरी है हम सब के लिए, ठीक है। और जो जो आप सब अगर इस मशवरे पे अमल कर लें तो इंशाल्लाह आपके नाकामी के चांसेस जस्ट और जस्ट जो है वो 1% रह जाएगा। ओके जी, कम बैक ऑन पॉइंट, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक टेम्पलेट जो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, स्पेशली आप लोगों को सिखाया तो हुआ है लेकिन फिर भी आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही आपके लिए कोई मेहनत करके कुछ कर दूँ आपके लिए, अगर आपने कुछ नहीं करना तो फिर हम तो हैं ना नौकर की तनखरा की से आने कहने, तो हम तो भाई हैं, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, तो मैंने एक टेम्पलेट तैयार किया आप लोगों के लिए, उसको दिखाता हूँ आपको, लाइक गोल्ड देखते हैं, तो यहाँ पे देखें एक टेम्पलेट है जिसके ऊपर अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ, यहाँ पे मनी मैनेजमेंट यानी कि लोड साइज वगैरह आपको बताएगा, आपके बैलेंस के हिसाब से जितना आपके अकाउंट में बैलेंस होगा उतने की बोलेगा आपको, इतने की अलो लोड पर ट्रेड कि ये आपको पर ट्रेड इतने की इजाजत है ट्रेड लगाने की, कैंडल टाइम में उसमें होएगा, ठीक है। ये दो चीजें हो गई भाई बड़ी अच्छी अच्छी, एक तो हो गया मनी मैनेजमेंट कंसेप्ट, एक हो गया कैंडल टाइम, ठीक है। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन ऑटोमेटिकली ड्रा करेगा, एज यू सी कि ये इसने ऑटोमेटिकली ट्रेंड लाइन लगा दी है और उस ट्रेंड लाइन का आज ब्रेकआउट भी हो गया, मजे की बात तो ये है उसका ब्रेकआउट भी हो गया, गोल्ड के ऊपर मार्केट आज बहुत गिरी है और उसका ब्रेकआउट हो गया, तो ये आपके लिए। उसके बाद इसमें एक मूविंग एवरेज है लाइन है, उसके बाद इसमें और भी चीजें हैं, यहाँ मीटर है यहाँ पे, और ये मैकडी एसटीआर और ईएमए बताता है कि कितना बाय और कितना सेल में चल रहा है, स्प्रेड बताता है कितना चार्ज कर रहा है आपका ब्रोकर इस पेयर के ऊपर, ये फिर पिप टू ओपन इसके ऊपर मुकम्मल एक वेबिनार होएगा और फिर बताऊंगा सारी खूबियां बताऊंगा, और इस पैटर्न जो मैं पैटर्न क्रिएट करूंगा तो फाइनल नहीं हुआ, फिर इसके अंदर आरएसई भी है, तो इसके अंदर कुल मिला के काफी ज्यादा चीजें मैंने डाल दी और एक परफेक्ट सिस्टम बनाने की कोशिश की है, एक परफेक्ट स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश की है आप लोगों को देने के लिए
मैं इंशाल्लाह विद इन 2 या 3 डेज इसको आपके सामने रख दूंगा। अभी आज इसके ऊपर मैंने टेस्टिंग 2 ट्रेड की है, बिल्कुल छोटी छोटी सी, और उनका रिजल्ट ये देखें कि 121 पिप एक प्रॉफिट में है और 10 पिप एक प्रॉफिट में है। तो ये एक टेस्टिंग अकाउंट है $150 का एक क्लाइंट का, उसके ऊपर मैंने टेस्टिंग इस स्ट्रेटजी के ऊपर मैंने यूज किया इसको। तो इंशाल्लाह ये भी आपको बड़ी जल्दी गुड न्यूज मिलेगी और एक अच्छी टेम्पलेट और अच्छे अच्छे इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे जो आपकी मेहनत को तकरीबन 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 खत्म ही कर देंगे। और मैं ये चाहता नहीं हूं कि अभी आपकी मेहनत को खत्म करूं, मैं चाहता हूं कि तुम लोग ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मूविंग एवरेज पे मेहनत करो। तो इसीलिए मैं अभी आपको ये दूंगा नहीं, कम अज कम एक वीक का आपका मुंह देखूंगा कि अगर आप इस काबिल हैं तो फिर ही आपको ये दिया जाए। बहरहाल मैंने आपको बताना था कि मैं आपके लिए कुछ काम कर रहा हूँ बैकएंड पे, और बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ, हार्डवेयर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको परफेक्ट सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। एनीहो, कल हमने हमर इन्वर्टेड हमर हैंजिंग मैन और शूटिंग स्टार के बारे में पढ़ा, आज हम कुछ मजीद कैंडल्स को स्टडी करेंगे, और जो कैंडल्स को हम स्टडी करेंगे उन कैंडल्स का मैंने आपसे टेस्ट भी लेना है, जो 4 पहले हो गई है उसका भी टेस्ट लूंगा इंशाल्लाह, और ये जो आप करेंगे उसका भी टेस्ट लूंगा। सो इस बात को अपने माइंड से निकाल दो कि मैं भूल जाऊंगा, या आपको शामत आएगी आपकी लाजमी, अगर आप निकम्मे हो काम नहीं करते तो आपकी शामत आएगी। लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। इन सारी चीजों का आपको पता है, मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप देखते जाएं और आपको इंशाल्लाह समझ आती जाएगी क्या चीज है। ओके, आज हम 3 कैंडल्स को पढ़ेंगे स्पेशली। ये कैंडल्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन मुझे एक दफा पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज पहले आपने फ्री पढ़ा था, अब हम इसको पेड पढ़ेंगे, तो पेड में जाहिर है कुछ डिफरेंट चीजें होती हैं और कुछ मजे मजे की चीजें होती हैं, तो जाहिर है फिर आपको बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह इसमें। तो लेट्स सी क्या होता है, मारुबोजो क्या होता है, स्पिनिंग टॉप क्या होता है, और डोजी क्या होता है, आज हम इसको पढ़ते हैं, और डोजी की 4 अक्षर है ये भी हम आगे पढ़ेंगे चलते। सबसे पहले व्हाट इज मारुबोजो, जैसा कि आप जानते हैं, आपने फ्री लेक्चर में देखा है, अगर नहीं देखा तो आप वेबसाइट पे जाके देख लें, फ्री लेक्चर कैंडलस्टिक के ऊपर पूरा एक आपको दिखा देता हूं कि कहां पे हमने बात की हुई है पहले इसे इस टॉपिक के ऊपर, और कितने परसेंट तक लोगों ने उसका फायदा उठाया। ऑलमोस्ट 90% लोगों ने इससे बेनिफिट उठाया, और हालांकि ये फ्री क्लास थी, इसमें मैंने इतने कोई तीर मारने नहीं सिखाए, बस ऐसी मामूली मामूली सी इंफॉर्मेशन दी। सो लेट्स सी कैंडलस्टिक स्ट्रेटजी, ये है जी वो वीडियो, ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और हमारे वीमो के अकाउंट पे भी ये वीडियो अवेलेबल है, तो ये वीडियो भी आप देखें, आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। ओके जी, आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। मारुबोजो क्या है? मारुबोजो एक कैंडल है जो कंटिन्यू ट्रेंड की निशानदेही करती है, इसकी विक नहीं होती, इसकी शैडो नहीं होते, और इसका हाई और लो इसके ओपनिंग एंड क्लोज पे ही होता है, इसको मारुबोजो कहते हैं। मारुबोजो 2 किस्म की होती है, एक बुलिश एक बैरिश, एक वाइट एक ब्लैक, एक रेड एक ग्रीन, एक बाय एक सेल। तो ये मारुबोजो के 2 टाइप हैं, और मारुबोजो की नो विक नो हाई एंड लो, ओनली ओपन एंड क्लोज विद हाई एंड लो, ठीक है। तो ये मारुबोजो की पहचान है। ये करती क्या है, ये स्ट्रॉन्ग कंटिन्यू ट्रेंड की एक पैटर्न है, एक मारुबोजो इज अ स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूशन पैटर्न। ये जब बनता है एक ट्रेंड के साथ तो फिर तुम ट्रेड ले लो और फिर मजे करो, इतना प्रॉफिट आएगा, क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का हमें एक मारुबोजो या एक सिग्नल दे रही है मार्केट। चलें कुछ इसके बारे में मजीद पढ़ते हैं। ये देखें जी, यहां पे बैरिश मारुबोजो की एग्जांपल दी गई है, आप देख रहे हैं स्क्रीन आपको नजर आ रही है,
तो आप देख रहे हैं कि देयर इज नो विक, ना ऊपर विक है ना नीचे विक है, ना कोई शेडो नहीं है, कोई डंडियां नहीं है, कोई इसकी लाइंस नहीं है, टांगे नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रियल बॉडी है, स्ट्रॉन्ग बॉडी रियल। और ये जहां से स्टार्ट हुई थी वहां से नीचे आ गई, ये लो बना के क्लोज हो गई, तो यहां पे कोई कंसेप्ट नहीं है हाई एंड लो का, जितना इसका जहां से ओपन हुई वो इसका हाई है और जहां नीचे आई है ये वो इसका लो है और वही इसका क्लोजिंग पॉइंट है। तो क्लोजिंग पॉइंट एंड ओपनिंग पॉइंट इज सेम, इज इक्वल टू हाई एंड लो। ये एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, ये एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, अगर इस तरह का क्रिएट हो जाए। आप देख रहे हैं मैंने कहा ये कंटिन्यू ट्रेंड की निशानी है, तो मार्केट ऑलरेडी नीचे आ रही थी, मार्केट ऑलरेडी नीचे आ रही थी। और यहां पे एक बड़े मजे की चीज नोट करें आप, आपको मजा आएगा। ये क्या है, ये डोजी कह सकते हैं आप, आगे चल के पढ़ाता हूं। ये कैंडल क्या बता रही है, आपने कभी किसी के साथ पंजा लड़ाया या दो पहलवानों को लड़ते देखा है, जब वो एक दूसरे से नहीं हारते, मतलब वो एक दूसरे के बराबर मारते हैं और ना कोई जीतता है ना कोई हारता है और वो मुकाबला बराबर रह जाता है क्योंकि दोनों की पावर सेम है। यहां पे भी देखो तुम्हें नजर आ रहा है नीचे से विक सेम, ऊपर से विक सेम, लास्ट कैंडल की बात कर रहा हूं, और बीच में छोटी सी बॉडी, यानी कि बुलिश एंड बेरिश दोनों ने जोर लगाया, कोई भी नहीं जीता। लेकिन अगली ही कैंडल में बेरिश बाजी ले गया और अगली ही कैंडल में उसने एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल छोड़ा कि भाई इस गेम का विनर मैं हूं। तो हमें एक स्ट्रॉन्ग किस्म की कैंडल मिली, हमने सेल किया और हमने प्रॉफिट उठाया। और ये काफी लंबा है, छोटी नहीं है, ये बिल्कुल एक आपको नजर आएगा पैटर्न के साथ बना हुआ है कि ये देखें मार्केट यहां से नीचे आ रही है, ये आप है और मार्केट यहां पे नीचे आई, तो कंटिन्यू ट्रेंड हो गया, ट्रेंड इज कंटिन्यू, बेरिश ट्रेंड इज कंटिन्यू। ओके, उसके बाद ये बेरिश की कैंडल बनी और फिर उसके बाद मार्केट नीचे आई। अब यहां पे देखो काफी ज्यादा कैंडल्स इस पॉइंट पे क्लोज हुई थी, अगर तुम्हें याद हो तुम तो बोलोगे भाई सर मार्केट अपने सपोर्ट लेवल पे है, यहां से तो ऊपर भी जा सकती है, तो मैं बाय सेल की ट्रेड नहीं लगाऊंगा। ये वो देखें पैटर्न, ये हमारा टोटल जो है वो स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट लेवल बन रहा है, क्योंकि यहां पे तीन चार कैंडल्स यहां पे आके क्लोज हुई हैं, खत्म हुई हैं, या लाइक ये देखें ले ये और फिर ये सारी कैंडल्स इस लाइन की मजबूती का इशारा है कि ये बहुत ज्यादा सपोर्ट, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन अगले ही लम्हे हैं जब मारुबोज़ु क्रिएट हुई तो मारुबोज़ु ने वो उसका मार्केट का भरम तोड़ दिया और मार्केट ने का जो उसने एक इशारा दे दिया कि अब भाई मार्केट थोड़ा सा और नीचे जाने वाली है। तो देयर इज अ टू कैंडल्स जो हमें हेल्प आउट कर रही है। और यहां पे एक बात याद रखें, अब कंटिन्यू ट्रेंड तो सेल का था, कंटिन्यू ट्रेंड जो है वो सेल का है। अब इसके एंड पे अगर यहां पे बुलिश कैंडल होती, यहां पे बुलिश कैंडल बन जाती और लोग कहते जी अब मार्केट को ऊपर जाना चाहिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग सिग्नल है अप जाने का, तो भाई गलत है, वो फेल हो जाएंगे लोग। ये रूल नंबर एक लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है, बेरिश ट्रेंड है, तो बेरिश कैंडल ही बनेगी और वो बेरिश कैंडल बेरिश ही क्लोज होगी और अगली कैंडल बेरिश से नीचे क्लोज होगी, यानी कि वो भी बेरिश होगी। ये एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, ये नहीं है कि ट्रेंड नीचे आ रहा है और तुम वहां पे बुलिश की ट्रेड फंसा के बैठे हो, ऐसा नहीं होएगा, ये बात याद रखना। और इसकी मेरे पास एग्जांपल भी है, मैं कोई हवा में आपको फड़ियां नहीं मार रहा, मैंने ये चीज माइंड में रखी थी कि आप यहां पे कंफ्यूज होंगे। ये एरिया नजर आ रहा है आपको,
ये कैंडल जिसके ऊपर मैं इशारा कर रहा हूँ ये नजर आ रही है आपको, ग्रीन कलर कैंडल यानी कि बुलिश कैंडल। अब तुम लोग कहोगे सर जी कि यहाँ पे तो मार्केट बुलिश, यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई, देर इज नो वीक, देर इज नो हाई एंड लो, ओनली मारुबुजो एंड दैट्स अ स्ट्रॉन्ग की पॉइंट और स्ट्रॉन्ग एक कैंडल बनी है। अब तो मार्केट को ऊपर जाना ही चाहिए, तो मार्केट कहेगी बच्चे तुम बेवकूफ हो, मैं नहीं हूं, तुम यहां पे लॉस उठाओगे और मैं तुम्हें करूंगी मैनिपुलेट। मार्केट के ये मानो मैनिपुलेट्स के ट्रिक हैं, ये देखें, ये वो बातें हैं जो मैं फ्री वेबिनार्स में नहीं बताया और मैं अब आपको बता रहा हूं कि इनमें फर्क क्या है, ये नोट करो। यहां पे भी मारुबुजो बनी और यहां पे तो उससे भी बड़ी बनी, यहां पे बैरिश थी, यहां पे बुलिश इतनी बड़ी बनी, वो तो छोटी सी थी, लेकिन क्या है वो कंटिन्यू ट्रेंड के साथ है, लेकिन ये कंटिन्यू ट्रेंड के अगेंस्ट है। कुछ कैंडल्स होती हैं जो रिवर्स पैटर्न क्रिएट करती हैं, लाइक लास्ट टू लेक्चर्स में हमने स्पिनिंग वो पढ़ा था, हमर इन्वर्टेड हमर शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन, तो वो क्या, वो किस चीज की निशानी है, रिवर्स पैटर्न, जहां पे वो क्रिएट हो जाए समझो खत्म हो गई बात, जहां पे वो क्रिएट हो जाए समझो ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन लेकिन रूल के साथ, और ये ट्रेंड के साथ बनेगी, तो ये कंटिन्यू ट्रेंड की निशानी है, वो रिवर्स ट्रेड ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेने की निशानी है, समझ आई आपको। देर इज अ टू डिफरेंट काइंड ऑफ कैंडल्स, देर इज अ टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज, दो अलग अलग सीन है, एक रिवर्स ट्रेड का और एक कंटिन्यू का। तो ये आज जो हम पढ़ रहे हैं ये कंटिन्यू का था, लास्ट जो हमने पहले पढ़े वो रिवर्स पैटर्न थे। मुझे इतना दुख हुआ आज भी जब मैंने देखा आप लोगों के स्क्रीनशॉट्स, कुछ लोगों को पता ही नहीं है वो। अब ये देखो, एक बंदे ने ये कहा जी ये इन्वर्टेड अमर है, मैंने ये बात करनी थी, मुझे याद है, मुझे बड़ा गुस्सा है, बंदे ने कहा ये जी इन्वर्टेड अमर है, तो बंदा उससे पूछे भाई ये इन्वर्टेड अमर बन गया लेकिन तुम इसकी तरफ ऐसे ही निशानदेही कर रहे हो जैसे इसकी बड़ी अच्छी कंफर्मेशन हुई है और मार्केट बड़ा डाउन आई है। यहां पे देखें अगली कैंडल ने, तो यहां पे तुक्की नहीं बनता है इसका स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट करने का या इसकी तरफ निशानदेही करने का, मुझे निशानदेही उस चीज की करनी है जो वाकई ही उसके साथ मार्केट गई हो, लाइक दिस कैंडल, ये वाली कैंडल देखो आप, तो आपको मजा आएगा, आपको पता चलेगा कि ये जो पैटर्न क्रिएट, ओहो ये जो पैटर्न क्रिएट हुआ है इस पैटर्न की बाद में कंफर्मेशन भी हुई है और हां इसको मैं नोट डाउन कर सकता हूं, ये तो नोट डाउन करने वाली चीज है, ठीक है। लेकिन फिर उसके लिए मुझे देखना आएगा कि ये डाउन ट्रेंड के एंड में है या अप ट्रेंड के एंड में है, तो रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी जान, एक एक चीज देखनी होगी। तुम लोग जस्ट देखते हो अड्डी लंबी वेख के अड्डी छोटी बाटी है, वाह जी वाह कर दो पोस्ट स्क्रीन शॉट। मैं ऐसा नहीं है कि सबको गलत कह रहा हूं, आई अप्रिशिएट करता हूं तुम लोगों ने एफर्ट की स्क्रीन शॉट पोस्ट किए, मैंने तुम लोगों को होमवर्क दिया था कि जाओ ये आप लोगों का होमवर्क है और खुद तलाश करके कंफर्मेशन और इसके रिजेक्शन पोस्ट करो ग्रुप में, सिर्फ दो तीन लोगों ने किए हैं, शर्म की मुकाम है आपके लिए, कम अज कम होमवर्क तो सब लोग कर लिया करो, हर रोज जो है वो मेरे से बेइज्जती करवाते रहते हैं, प्लीज होमवर्क किया करें लाजमी। तो आज का आपका होमवर्क ये है, मारुबुजो की कंफर्मेशन रूल्स, अब आप लोगों का डिफरेंट काम है, तुम लोगों ने रूल भी लिख रहे हैं पोस्ट के ऊपर और रूल के ऊपर ये भी कहना है कि ये देखो ये बिल्कुल रूल के साथ ही फिर ये क्यों लॉस में गई, या ये बिल्कुल रूल के ऊपर है, मेरे हिसाब से ये रूल है और ये देखें ये इसकी कामयाबी का राज, ये तुम लोगों ने पोस्ट करना है। 25 के 25 बंदों की मुझे पोस्ट चाहिए, अगर कोई बंदा इनएक्टिव है या वो पोस्ट नहीं कर रहा मैं उसको रिमूव कर दूंगा, मुझे उसमें लोगों का इज्जत नहीं चाहिए, मुझे तुम लोगों को इकट्ठा करने का शौक नहीं है,
जो लोग नहीं सीखना चाहते भाई जाएं, मैं खुदा हाफिज कहता हूँ, मैं बड़ा खुश होऊंगा। मेरे पास वो लोग कम हो जाएंगे जिनको मैंने तवज्जो देके सिखाना है। मैं टाइम दे रहा हूँ, अपने टाइम की कुर्बानी दे रहा हूँ, तो मुझे फायदा तो हो ना। एवं मैं फजूल लोगों के साथ सिर मारता हूँ। ओके आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ रियल बॉडी फुल बॉडी होनी चाहिए। एक और पैटर्न, सॉरी एक और पैटर्न आ गया, ठीक है। तो ट्रेंड के साथ इसकी कामयाबी के चांसेस बहुत ज्यादा है। जिसको कहते हैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग है यार, मुझे बाय करना ही चाहिए, मुझे सेल करना ही चाहिए, वो ट्रेंड के साथ है। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट जाना है, अगर ट्रेंड के अगेंस्ट बनती है मारो बुझो, तो वो भी देख लो। मैंने मुझे पता चल गया, मेरी छठी इंच को अंदाजा हो गया कि आपको दिमाग में कोई बात आई होगी कि सर जी यहाँ पे तो बुलिश ट्रेंड था, तो यहाँ पे एक मारोबुजो बनी, उसकी आप निशानदेही कर रहे हैं और नीचे आई है। तो भाई ये कंटिन्यू ट्रेंड की बात कर रहा हूं, ये 5-6 कैंडल्स की बात नहीं कर रहा हूं। कंटिन्यू ट्रेंड क्या है, एक महीने या एक वीक का, सॉरी एक महीने का, एक महीना मार्केट नीचे आई मुझे पता चलता है एक महीने का मार्केट का ट्रेंड ये है। अब एक हफ्ता ऊपर चल जाए तो वो कंटिन्यू ट्रेंड नहीं हो जाएगा, ये इट्स अगेंस्ट ऑफ ट्रेंड। और ये कैंडल बहुत अच्छी कैंडल है, यहां पे ये उससे पहले नीचे आ रही थी मार्केट। तो कंटिन्यू ट्रेंड के भी कुछ पैटर्न्स या निशानियां हैं, उनको माइंड में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। यू आर अ प्रो मेंबर्स और अपनी सोच को भी महंगी करो। आप लोग प्रो मेंबर तो बन गए लेकिन आपकी सोच अभी भी सस्ती है, इसको महंगी करो प्लीज। चीजों पर गौर किया करो, हर एंगल से चीज को देखा करो। अगेन वही बैरिश की एक एग्जाम्पल, और नाउ योर टर्न, तुम लोग जाओ अब अपने लाइव चार्ट्स पे। यहां पे देखें हमारे पास कितने चार्ट्स हैं, हमने कितने ज्यादा चार्ट्स ओपन करके रखे होंगे। कोई भी चार्ट ओपन कर लो, पढ़ लो मैं यूरो यूएसडी पे बड़ा अच्छा काम करता हूँ, आई एम एक्सपर्ट, तो यूरो यूएसडी ओपन कर लो, यूरो यूएसडी पे मारो बुजो तलाश करना स्टार्ट कर दो भाई, कहाँ कहाँ मारो बुजो बनी और कहाँ कहाँ उसकी कंफर्मेशन हुई और कहाँ कहाँ मुझे प्रॉफिट मिला। प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, लॉस लॉस लॉस, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, लॉस लॉस लॉस। ये देखो क्या ये मारोबुजो है, क्या इसकी कंफर्मेशन हुई, क्या उसके बाद मार्केट नीचे आई। डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहां पे आके मार्केट रुक गई थी, यहां से मैं बाय भी कर सकता था लेकिन मेरे पास तो मारोबुजो की कंफर्मेशन आ गई, मैंने अगेन सेल किया और ये प्रॉफिट उठाया मैंने। ये लो यहां से भी ट्रेड लगाते हो 1500, ओके जी 1500 डिवाइड 10, सॉरी ये बनेगा जनाब, अच्छा ये सॉरी ये वो है, ये 4 डिजिट ब्रोकर है, इसमें डिवाइड 10 नहीं हम करेंगे। मैं भी परेशान हो गया जी, इतनी मार्केट नीचे आई और इतना, तो ये 1500 पिप मिल रहा है मुझे एक मारोबुजो से। चलो मैं इतना वेट नहीं करता, इतना सबर नहीं करता, फिर भी मैं कुछ ना कुछ तो कमा के ही जाऊंगा ना इसमें से। लाइक और पीछे चले जाए तलाश करो, बैरिश कैंडल की देखिए, बुलिश कैंडल की जाके तलाश करो, उसकी कंफर्मेशन देखो। सिर्फ और सिर्फ बैरिश पे ही आप डिपेंड ना हो जाए, ठीक है। कुछ मेरी बातों की समय लग रही है या नहीं? यू आर राइट शायद भाई, थैंक यू। सबका ज्वाइन करने का शुक्रिया, अपनी दुआओं में अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी याद रखेगा, मुझे भी याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।